ये देखिए हम 8-10 पे आके खड़े हुए हैं और लिफ्ट नहीं चल रही है। अब और इसे कितना पहले जाए, 8:30 बजे के बाद स्कूल खुलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी आपके बच्चों की सेहत इज्जत ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और रमज़ान के महीने में भी वही प्रॉब्लम यानी कि लिफ्ट का मसला। अरे मैंने नीचे चुने ना, थोड़े ऊपर केले भी गिरे थे, थोड़े नीचे गिरे थे, मैंने बोला सब उठा लो। अच्छा लग रहे हैं। और पर्पल वाले तो मैं सड़क से लेके आई, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हमारे भी कपड़े मैच हो गए ना, इसलिए पता ही नहीं चला। हाँ ऐसा लग रहा है। इसे लाइयो, आगे तो नहीं है, मिर्च को दे दो, दोगी चलो मरियम, थैंक यू बोलो मिशको, थैंक यू बोलो। इंशाल्लाह मेरे ईद वाले दिन पहने की, सभी ने बहुत तकलीफ किया ये तुमने, है ना? हाँ बिल्कुल दे दो, ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया मायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। सही है, मैंने बहुत खुशी, इंशाल्लाह मैं जो अपना सामान लाती हूँ वही लेके आई हूँ। ये मिसने दिया है सभी ने मरियम को गिफ्ट, पहले जो दिया था ना मैंने वापसी करा दिया था, किसी को बताया नहीं था, वो चौक वाले थे ना, ऐसे चौक वाले तो मरियम को नहीं पहनती, तो मैंने बोला सभी नहीं नहीं मैं तरीके से बात की सभी, तुम पहनो, कहने लगे अरे नहीं आप पहन ले, हफ्सा के लिए रख ले, मैंने बोला अरे तुम पहनोगे तभी मुझे इतनी खुशी होगी जितना मेरी बच्ची लोग पहनेगी। तो तुम्हारा अपना नाम क्या है? क्या वफा हो है ये बेवफा, किसने वफा की है बताओ? अब्दुल रहमान की मम्मा यानी कि वफा साहिबा ने लगाया हुआ है स्टॉल। तो माशाल्लाह से मरकज से उम्मीद में ना रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, तो सभी अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं जिनका जो भी काम है। तो मैं भी जा रही हूँ, मेरा भी सामान माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो रहा है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मरियम की जैकेट बनने के लिए गई हुई है, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा सामान ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो ताकि मेरे पास भी कुछ पैसे आए। तो हर माँ की इसी तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ज़रूरियात होती है, तो बहुत अच्छा है ये सारा कुछ। क्योंकि औरतों को ना पता है क्या, जो स्कूल आती है उनको टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी कि वो फिर बाहर अलग से मार्केट जाएँ, तो यहाँ जो भी चीज़ें हैं उनको आसानी से मिल जा रही हैं। और देखे स्कूल में लगे हुए टमाटर बहुत प्यारे लग रहे हैं, ना चुके हैं और हम इनकी सफाई कर रहे हैं ना, तो ये सोच रहा है मैंने गंदा कर दिया, तो ये अपनी और सफाई कर रहा है, हमने इनका ब्रश किया और ब्रश में इतने ज्यादा बाल है, इतने ज्यादा बाल आए और अभी नहा लिया ना तो इसका सारा जख्म दिख रहा है, और ये खुद तो नहा लिया इतनी मुश्किलों से, दो चार दफा भागा बाहर और भागते भागते जो है ना खुद भी नहा लिया और पूरे घर को भी नहला दिया। शुक्रिया आपको बहुत बहुत। भाई की पेटी ऊपर सो जाओ, प्यार करेगा ना, वाह भाई प्यार कर रहा है ना भाई, अंदर और भाई डाल ले, आपको कुछ करता आप डरती है नहीं डरती ना, गुस्सा है नहीं, गुस्सा नहीं है, गुस्सा आता तो मुझे मारता, गुस्सा नहीं है मेरे बच्चा, बस अपने आप को सुखाना चाह रहा है बस, और देखो कैसा और भूला भाला लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ से किसी ने दिख रहा है मरियम के पैर के ऊपर पैर पकड़ के सो रहा है, मरियम स्कूल से आई है, ये देखिए मरियम भी बहुत तगड़ा, बहुत शदीद वाली गर्मी और मरियम रोज, तो देखिए सब सो रहा है और हमाद और हफ्सा ने मिलके इसको नहलाया है, हफ्सा से मरियम ने पूरे घर को नहलाया है, कैसे नहाया है ये हफ्सा ने, सिर्फ मेरी एक बात नहीं मानी थी, मतलब भूल गई थी, मैंने बोला था टोकरी को उल्टा कर देना, किसी भी तरीके से नहीं भूल पाता मगर, हाँ ये देखिए देखिए इसकी हरकतें देखिए,
जी बिल्कुल इंसानों की तरह इसकी हरकतें, आप देखिए क्या शाइन कर रहे हैं नहाने के बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा प्यारा। मैं पहले सोच रही थी हर तरह के शेड है, ब्राउन से ग्रे, ब्राउन से ब्लैक तक, ब्राउन से ब्लैक, ग्रीन भी है। देखिए अब माशाल्लाह से इतना, ये पता नहीं कैसे इसमें इतने इंसान हो, ये देखिए नीचे ना ये धूप सेकने के लिए धूप आ रही थी मगर ये बैठ रहा नहीं था, क्यों इसको फर्श पे नहीं बैठना होता है। फिर मैंने ये वाली दुपट्टा उसको डाल के दी कि इस पे बैठो, तो देखिए इस पे बैठ के इसे धूप सेका। क्या तो इतना प्यार हो गया ना इससे, ये बहुत प्यारा भी है, ये गंदगी नहीं करता है, ये खाने में मुँह नहीं डालता है, ये बहुत अच्छा बच्चा और मासूम बन जाता है कुछ भी। और मेरे तीनों बच्चे इससे प्यार करते हैं तो मैं भी प्यार करती हूँ ना, हमारा हफ्सा मरियम तीनों को ये बहुत। जब मम्मा किचन में खाना बनाती है तो ऐसा मासूम बन जाता है कि इससे मासूम तो दुनिया में है नहीं। कि मम्मा खाना दे दो, अभी एक हफ्ते से हमने इसको चिकन भी नहीं दिया, हफ्ता 10 दिन हो गया चिकन नहीं दिया इसको, इसलिए हमारे के दोस्त ने बोला ज़्यादा चिकन नहीं दो। और इसको भूख भी बहुत लगती है, एक नस्ल होती है ना उसका नाम होता है क्या मेन कोन, मुझे सबको ही जैसे वीडियो से हमने इसको जाँचा तो वैसे ही लगता है ये। इसके भी यहाँ पंजे में देखे बाल है, पंजे में बाल आए हुए ना इसके और कान के अंदर बाल आए हुए हैं, और इसके ये नाक जो है ना नाक सीधी है इसकी, नाक इसकी सीधी है। दूसरी ये बात ये कि देखिए इसके पेट के नीचे वाले हिस्से में कितने बाल हैं, तो सीने में भी हो रहे हैं, सीने में भी कैसे घने घने बड़े बड़े बाल हैं माशाल्लाह। और आज शैम्पू के नहाया है तो आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह है ना, और ये लंबा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भाई के भूख भी इसको बहुत लगती है, ये देखिए मामा भाई के यहाँ से यहाँ तक ये आ जा रहा है बिना पाँव के, और देखिए अब रमजान इतना गुजरने के बाद दवा खाने से मेरी तबीयत इतनी तो बेहतर हुई है कि मैं कुछ चीजें बना सकूं। आज बन रही है रशियन सैलेड, और जो नॉर्मल हमारे घर अफ्तार में चीजें बनती है यानी कि चने पकौड़े चने की चाट फ्रूट्स, और देखिए क्योंकि घर पे क्रीम आया हुआ था तो हफ्सा ने खजूर और क्रीम भी मिक्स किया। ये हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है खजूर में क्रीम डाल करके, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें सब तैयार हैं और हमाद अभी तक अपनी नींद पूरी कर रहा है। और देखिए माशाल्लाह से पूरा दस्तरखान सज चुका है, और अब इंशाल्लाह सब बैठ के इफ्तारी करेंगे। और ये देखिए ये है खजूर में क्रीम मिक्स करके रखा है अफसा ने, तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत कुछ नेमतें अता की, अल्लाह पाक सबके दस्तरखान ऐसी वसीले बना रही है। ये वाली वीडियो है ना, पकड़ो इस तरह से यहाँ पे, ये कैमरा छुपा दे, ओ कैमरा दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये ठीक है बोलो। मामा निकाल रही है रशियन सैलेड, क्या नजर नहीं आ रहा है, बताओ इसको ऐसे ठीक है, सही है अब सही है। बोलो मामा निकाल रही है रशियन सैलेड, जोर से बोलो रशियन सैलेड, अभी दिखाओ पहला, वाह मरियम का रशियन सैलेड मरियम खाएगी और फिर बताएगी कि कैसा है ना। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया, और मरियम कितनी अच्छी वीडियो बनाती हैं आपने देख लिया, तो मरियम इस तरह की वीडियो बनाती है कि बस कुछ चीज़ें नज़र आए और कुछ चीज़ें नहीं नज़र आए, है ना। ये है रशियन सैलेड, इसमें मैंने डाला है अखरोट, आप किशमिश भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए मरियम खा रही है, और हफ्सा के तो रोज़ के मामूल है, इधर अफ्तार करी नमाज पढ़ी मगरब की और सो जाती है, तो हफ्सा तो सो गई है, अब मरियम बताएगी ये कैसा है, उठो सीधी उठो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बताइए ये कैसा है, फिर देख के बताइए कैसा है, ऐसे नहीं जैसे अफसा बताती है कि मीठा है खट्टा है कड़वा है कैसा है, मीठा मीठा है, हाँ नमक है इसमें, मिर्ची भी है थोड़ा थोड़ा, हाँ मिर्ची है या नहीं है, मिर्ची भी है, हाँ इसमें वाइट मिर्च ब्लैक पेपर चीनी है ना, और मज़ेदार है क्रीमी क्रीमी सा खट्टा खट्टा है खट्टा खट्टा, हाँ पाइन एप्पल है ना इसलिए, और अफसा सो रही है और मरियम खा रही है, ये देखें
और देखिए मैंने कपड़ा धुल के डाला हुआ था और फ्लोर पे हो रहा है क्योंकि कलर, तो बस पूरे कपड़े खराब कर दिए उन्होंने। अच्छा, दूसरे लोगों के भी कपड़े डले हुए थे मगर वो लोग बाहर थे तो उनके कपड़े नहीं खराब किए और हमारे खराब कर दिए। खैर मैंने डांटा तो बहुत कि आप मुझे बोल देते मैं उठा लेती। देखिए इनके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं और हमारे कपड़े उन्होंने गंदे कर दिए। ये भाई कच्चा हाल है, बच्चा नहीं करना, बहुत बुरी बात है। देखिए अफसर स्कूल से आई है, कितना प्यार कर रहा है। आपको लग रहा है ये टक्कर मार रहा है? नहीं, ये प्यार का स्टाइल है, ऐसे प्यार करता है ये। और इसको गुदन के नीचे पाल को बोला इतना अच्छा। इसमें कि हर हफ्ते में एक दिन चला जाता है, वो जो गंदा बिल्ला है ना उससे मिलने, फिर वो गंदा बिल्ला जो है ना इसको ठुकाई करता है। कल तो खैर कम ठुकाई हुआ, ये देखिए कान के पास उसने ऐसे कट मारा, हाथ मारा है। उसके बाद शुक्र है नीचे कारखाने वालों ने ना इसको अपने पास बुला के बचा लिया। फिर ये उन्हीं के पास बैठा रहा इतना ही, मगर कपड़े के नीचे छुप के बैठा हुआ था ना, इसलिए पता नहीं चल रहा था। शाम तक तो मोहल्ले के बच्चे हमारे इतने अच्छे। हाँ, मैंने एक वो एक दफा बोला, उन्होंने सब जगह चेक किया। ओए और बस यही रूटीन रह गई है, स्कूल जाओ, स्कूल से आके थक के थोड़ा आराम करो, फिर उठो, अफ्तार के काम करो, नमाज पढ़ो, इबादत वगैरह थोड़ा कम ही कर पा रही हूँ। बस अल्लाह ताला से ही उम्मीद है कि अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएंगे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और ये देखिए जो मिस सबीन ने सूट दिया है, मैंने वीडियो ही नहीं बनाई थी, मुझे याद ही नहीं था, तो जब एडिटिंग करने बैठी तो याद आया, तो अब मैंने वीडियो बना ली है। तो आप लोग मिस सबीन के लिए दुआ कीजिएगा, मिस सबीन को जो है डिहाइड्रेशन हो गया, उनकी तबीयत ख़राब है, रोज़ा रख के सुबह आती हैं, फिर सारा दिन खड़े खड़े बच्चों के एक्सरसाइज वगैरह करवाती हैं, तो जाहिर बात है थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।